ये पहली बार था जब सुशांत अपने घर से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। वो गुजरात के एक छोटे से गांव का लड़का था। पहली बार उसको एक राइटिंग कंपटीशन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसकी ट्रेन थी अहमदाबाद से, 7:30 बजे का समय था और पहली बार ट्रैवल कर रहा था। उस कंपटीशन को लेकर उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। रात भर वो सफर करने वाला था और सुबह उसका कंपटीशन था। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही सुशांत ने सोचा थोड़ा टहल लिया जाए। उतने में ही उसने वजन नापने की एक मशीन देख ली। आमतौर पर हम भी कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो उसमें वजन करवाते हैं। सुशांत ने सोचा कि मशीन के ऊपर मैं भी अपना वेट चेक करता। उसने अपने पॉकेट में चेक किया और उसमें से 1 रुपया निकाला और मशीन के अंदर डाला। तो आमतौर पर एक पर्ची निकलती है जिसके अंदर किसी महापुरुष का फोटो होता है या फिर कोई कोटेशन होता है, उसके ऊपर वेट लिखा होता है। तो सुशांत ने वो सिक्का डाला, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का डाला उसमें से एक पर्ची निकली और पर्ची को देखते ही सुशांत के होश उड़ गए। उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था कि आपका नाम सुशांत है, आपकी आयु 26 साल है, आपका वजन 65 किलो है और आप 7:30 बजे अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं। और ये जैसे ही सुशांत ने देखा एकदम उसके होश उड़ गए। उसको बिलीव नहीं हुआ कि कोई क्या ऐसी सिस्टम हो सकती है। पहली बार वो उस स्टेशन पे गया था और वो मशीन उसको जानता है, उसके पास उसका डेटा है। तो एकदम से वो हिल गया। फिर से उसने चेक किया अपने पॉकेट में, 2-3 सिक्के और निकाले और 2-3 बार उसने ट्राई किया, लेकिन वही इंफॉर्मेशन, आपका नाम सुशांत है, आपकी आयु 26 साल है, आपका वजन 65 किलो है और आप 7:30 बजे अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं। उसको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था, वो 3-4 बार चेक कर चुका था, अभी उसके पास चेंज नहीं था। फिर एक बार वो देखना चाहता था क्योंकि उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। आमतौर पर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी दुकानें रहती है, वो वहां पे पहुंचा और उसने चेंज मांगने की शुरुआत कर दी, लेकिन उसको चेंज मिला नहीं। चेंज लेने के लिए सुशांत और 2-3 प्लेटफॉर्म पर गया और एक दुकान पे उसको चेंज मिल गया। उसने 10 रुपया का चेंज लिया और भागते फिर से उस मशीन के पास पहुंचा। उसने सिक्का डाला और एक पर्ची निकली, लेकिन इस बार जो पर्ची निकली उसको पढ़कर सुशांत मायूस हो। उस पर्ची के ऊपर लिखा था कि आपका नाम सुशांत है, आपकी आयु 26 साल है, आपका वजन 65 किलो है, दुर्भाग्यवश 7:30 बजे की अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस आप मिस कर चुके हैं। और तुरंत जैसे ही सुशांत ने घड़ी की ओर देखा तो उसमें समय था 7:35। सुशांत उस ट्रेन को मिस कर गया था और वहीं पे उसी समय उसकी आंख के अंदर आंसू आ गए, क्योंकि उसको पता था कि यह अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में वो सालों से प्रिपरेशन कर रहा था उसको उसने गवा दिया था। और गवाने की वजह यह थी, क्या भला ऐसा भी हो सकता है? फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देखते हैं तो हमारा बिलीव सिस्टम उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ह्यूमन माइंड जो कुछ भी सोचता है या सोच सकता है वो सब कुछ कर सकता है। अगर कुछ ऐसा है जिसको आप बिलीव नहीं कर पा रहे तो वो आपका परसेप्शन है, और ऐसे परसेप्शंस की वजह से जाने हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज को गवा दिया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी धारणाओं के अंदर गठित हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इस थॉट को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए और जरा उठ के देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जो आपके लिए असंभव है उसको वो लोग संभव
कर चुके हैं। तो अगर अपनी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए और अपने जीवन के प्रति बिल्कुल सकारात्मक बनिए। आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। और याद रखिए एक बार और, कुछ भी हो सकता है लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट। मोटिवेशन से जुड़ी हुई ऐसी रोचक कहानियों के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे इसलिए प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।